हेमी मेटाबोलिस मेटामोरफोसिस फर्स्ट द कॉन्टेंट्स हेमीमेटाबोलिस मैटामॉर्फोसिस द एग स्टेज द निफ स्टेज एंड द अडल्ट स्टेज फर्स्ट दट इज हेमी मेटाबोलिस मैटामॉर्फोसिस अगर हम बात करें सो द सेकेंड नेम ऑफ हेमी मेटाबोलिस मॉट मेटामॉर्फोसिस इज ऑल्सो द इनकंप्लीट मेटामोरफोसिस सो ये दिस द टाइप ऑफ मेटामोफोसिस इन विच ऑल द फोर स्टेजेज़ ऑफ डिवेलपमेंट आर नॉट प्रजेंट ये वो स्टेजेस हैं जिस डिवेल्पमेंट का पैटर्न है जिसमें डिवेलपमेंट की चारों टा जो स्टेज जो है वो मौजूद नहीं होती हैं सो मैनी ऑफ द एनिमल्स दे आल्सो हैव द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके अंदर जो है इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस होती है द मोस्ट कामन एग्जाम्पल इज द काकरोच काकरोचज के अंदर जो है वो होती है ग्रासप्पर्स के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है एफिड्स के अंदर इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस मौजूद होती है इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस में आमतौर पर लार्वल स्टेज नहीं होती है बल्कि लार्वी और प्यूपा की जगह निफ़ स्टेज मौजूद होती है सो एग और अडल्ट एग और अडल्ट कम्प्लीट और इनकम्प्लीट दोनों में मौजूद हैं जबकि लार्वी और पीपा स्टेज जो है वो कम्प्लीट मेटामोफोसिस में होगी जबकि लार्वी और पीपा की जगह निफ जो है कि नि निफ स्टेज जो है ये इनकम्प्लीट मेटामॉरफोसिस में मौजूद होती है सो ये इन डायग्राम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास थ्री स्टेजेस हैं एग स्टेज है एग जब हैच आउट होगा तो एग से एग से हमारे पास एक छोटा सा मिनीचर निकलेगा जिसको हम निम्फ कहते हैं मिनीचर का मतलब ये है कि ये एनिमल जो बाहर एग से निकलेगा ये बाहिर देखने में अडल्ट जैसा होगा लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर मिसिंग होंगी सबसे जो मोस्ट कॉमन फीचर मिसिंग होगा दैट विल द एबसेंस ऑफ द विंग्स uh, विंग्स इसके ऊपर मौजूद रहे होंगे आप देख रहे हैं नेम्फ जो है वो डिफरेंट स्टेज से पास आना होता है छोटा नेफ उसके बाद लार्जर देन लार्जर इस तरह से उसका साइज आस्ता इंक्रीज करता चला जाता है एंड देन अल्टीमेटली निफ जो इट इज़ कन्वर्टेड इंटू द अडल्ट तो ये अडल्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सो so, इस तरह से थ्री स्टेज है एग नेम्फ एंड द अडल्ट स्टेज सो so, एग स्टेज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकम्प्लीट द एग स्टेज एग स्टेज वो स्टेप है डेवलपमेंट का दैन द डिवेलपमेंटल प्रोसेस दे आर गोइंग टू टेक प्लेस विद इन द एग ये एग की मेम्ब्रेन के अंदर ही डिवेलपमेंटल प्रोसेस क्या होते हैं कंप्लीट हो रहे होते हैं तो इनिशियल डिवेलपमेंटल प्रोसेस जो हैं जिसमें इनिशियल डिवेलपमेंट प्रोसेस का मतलब ये होगा कि जो शुरू की डिवेलपमेंट के प्रोसेस जिसमें हमारे पास ब्लास्ट रुलेषन है गैस रुलेशन है या फिर ऑर्गेनोजेंसिस के जो पार्ट्स हैं वो शुरू की जो डिवेलपमेंट है वो एग के अंदर ही हो रही होती है तो वी से द इनिशियल डिवेलपमेंट टेक्स प्लेस विद एट द एग स्टेज अब कहते हैं जो एग है डिफरेंट एनीमल्स में इसका पैटर्न डिफरेंट है सम ऑफ द एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें जैसे ही एग जो है वो रिलीज होता है तो एग के अंदर से निफ़ जो एग फॉर हैच आउट हो जाएगा और उसके अंदर से जो है वो निफ़ निकल आएगा इसका मतलब यह है कि जो एग है जब यह मदर के बॉडी के अंदर ही था तो उसके अंदर डिवेलपमेंट स्टार्ट हो गई थी तो एग के जो डिवेलपमेंटल स्टेजस हैं यानी एग के अंदर जो अम्बिरू डिवेलपमेंटल स्टेज हैं वो सारी की सारी तभी कम्प्लीट हो गई जब एग अभी है जो है वो रिलीज नहीं किया गया तो जैसे ही एग रिलीज होगा उसमें से क्या होगा कि द यंग वन कम्स आउट जैसे एफिड्स के अंदर जो इसकी कि एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है तो एग से जो जैसे एग हैच आउट होगा उसमें से जो वो निम्फ निकलाएगा सो द सेकेंड स्टेज इज द निम्फ स्टेज निम्फ स्टेज जो है इट इज़ बेसिकली द इमेच्योर फॉर्म ऑफ द एडल्ट अडल्ट का जैसा ही ये स्टेज है अडल्ट जैसा एनिमल होता है बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल साइज स्मॉल साइज़ का होता है और इसकी ख़ास बात यह होती है कि इसके अंदर विंग्स मौजूद नहीं होते हैं और इसके साथ साथ इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मैच्योर नहीं होते हैं तो निम्फ की अगर हम पहचान करनी होगी हम कहेंगे निम्फ और अडल्ट में जो डिफरेंस है वह अडल्ट के अंदर विंग्स प्रेजेंट है निम्फ के अंदर द एबसेंस ऑफ विंग्स है सिमिलरली द निम्फ इट इज़ हैविंग इमेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो इसके जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इमेचोर होते हैं लार्वी की तरह निफ के भी डिफरेंट साइज़ होते हैं शुरू में निफ़ स्मॉल साइज़ का है बाद में ऐसा सा ग्रेजुअली ये इंक्रीज होता जाएगा हर साइज़ का जो निम्फ एट इस वन इंस्टार यानी अगर किसी एनिमल की डेवलपमेंट में निफ़ जो वो तीन साइज़ का होता है तो फर्स्ट इंस्टार सेकेंड इंस्टार एंड द थर्ड इंस्टार और उसके बाद जब लास्ट इंस्टार क्रॉस होगा तो उसके बाद अडल्ट जो है उसकी फार्मेशन हो जाएगी सो नॉर्मली द नेफ दे आर दे आर हैविंग दअ शेप अकॉर्डिंग टू द अडल्ट uh, लेकिन कुछ में थोड़ा सा डिफरेंस है जैसे एक्वेटिक इंसेक्ट्स में जो निम्फ है उसके अंदर गिल्स भी मौजूद होते हैं जो जाके प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं अडल्ट स्टेज द अडल्ट स्टेज जो है इट इज़ डिफरेंट फ्राम निम्फ स्टेज विद द प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड द फंक्शनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और विंग्स की प्रेजेंस जो है इट इंडिकेट द अडल्ट स्टेज अडल्ट स्टेज का काम होता है रिप्रोड्यूस करना सो so, जब उसके अंदर विंग्स आ जाते हैं विंग्स आल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस विंग्स क्योंकि उसको मेट को तलाश करने में हेल्प आउट करते हैं सो तो विंग्स का और इसके साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेचोर हो जाना होगा तो उसके बाद क्या होगा द तो एनिमल विल मेट एनिमल मेटिंग करेगा उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करेगा